हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू माय चैनल आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर सिक्स पढ़ेंगे हु आई एम बिफोर यू रीड इन दिस लेशन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ इच ऑफ अस इज़ डिफरेंट इस लेशन में क्या है हम क्या है क्या पसंद करते हैं और हर लोग हर कोई अलग अलग होते हैं इसके बारे में इस लेशन पे है we आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट ways एंड we आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स हम सारे अलग अलग वे पे अलग अलग रास्ते पे इंटरेस्टिंग है और अलग अलग चीज़ों पे हम अच्छे हैं मतलब किसी को आ, किसी को खेलना पसंद है किसी को गाना पसंद है ऐसे और कोई सिंगिंग में ज़्यादा अच्छे है कोई राइटिंग में अच्छा है कोई स्पीकिंग में अच्छा है ऐसा है एज यू रीड दिस थिंग अबाउट वॉट यू आई लाइक एंड वॉट यू एंजॉय डूइंग और इस लेशन को आप जब पढ़ोगे आप किस आप क्या पसंद करते हैं और आपको क्या करना पसंद है ये सोचना ठीक है तो चलो शुरू करते हैं राधा माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज मेरा फेवरेट काम क्या है प्रिय काम पैरों पर पे चढ़ना क्लाइं क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री हुच आई लव टू गो अप हमारे घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिसपे मैं चढ़ना पसंद करती हूँ इट्स ब्रांच स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सी इट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचिसस मतलब क्या है इट्स ब्रांचिस स्प्रेड आउट इसके जो शाखाएं है ब्रांचेस मतलब शाखाए इसके शाखाएं यहाँ वहाँ फैला हुआ है बड़े बड़े पैरों के शाखाएं यहाँ वहाँ फैला हुआ रहता है ना सो इट इज सिंपल टू क्लाइम अप द ट्री इसलिए पैर पे चढ़ना आसान है एक शाखा से दूसरी शाखा तक जाना आसान होता है एंड आई कैन सीट इट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस और मैं दो शाखाएं के बीच में जो जगह होते हैं उसको क्या बोलते हैं फॉर्क उस फॉर्क में आराम से बैठ सकता हूँ माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइम ट्रीज़ बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू एंड ऑफ़ अस सेट डेयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोस माय मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फ़ॉर गर्ल्स टू क्लाइम ट्रीज़ मेरे माँ क्या बोलती है पैरों पर पे चढ़ना लड़की लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती है कहीं गिर ना जाए उसको डर लगा रहता है बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू पर एक आफ्टरनून क्या दोपहर को वो भी पैर पे चढ़ गई एंड बोट ऑफ आर सेट देयर टॉकिंग एंड रॉ मैंगोस और दोनों बात करते करते आम खाने लगे वहाँ पे जो आम पके हुए थे दोनों बैठ के आम खाने लगे वन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड जब मैं पैरों की पैर की बहुत ऊपर होती हूँ तब मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को शासन करूँगी मुझे ऐसा फील होता है नेक्स्ट है नासिर वेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम ए सिट कलेक्टर नासिर क्या करना चाहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सिट कलेक्टर बनना चाहता हूँ सिट मतलब क्या है बीज और कलेक्टर मतलब जमा करता जो बीज को जमा करते हैं वो बनना चाहता है

और उसके जो पिता है फादर है वो हर साल बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं कॉटन प्लैंट्स को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं माई ग्रैंड फादर टोल मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्राम हिज ओन प्लान्स हुई कुड बी सोन टू ग्रो न्यू ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर और उसके ग्रैंड फादर ने बहुत साल पहले उसको कहा था कि ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स प्लान्टिच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर वो अपने वो खुद के जो प्लांट्स में बीज होते हैं उसको कलेक्ट कर सकता है और दूसरे ईयर के लिए रख सकता है न्यू, न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए उसको रख सकता है But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seats every single year. पर ye अभी काम नहीं करता इसलिए हमें हर हर साल पैसा को खर्च करना पड़ता है नए नए beej खरीदने के लिए I want to find out why that is so। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीट्स सो डैट वी कैन यूज डैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर और वो क्या सीखना चाहता है आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स मैं ये सीखना चाहता हूँ कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है सीड्स को जो बीज है उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं और उसको रीयूज कैसे करते हैं ताकि वो हर साल उसको पैसा खर्च ना करना पड़े नेक्स्ट है रोहित इफ़ आई हैड एमाउंट ऑफ मनी आई वु ट्रैवल एंड ट्रेवल रोहित क्या रोहित को क्या पसंद है इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे आई व्रेवल एंड ट्रैवल मैं बहुत घूमूंगा और घूमूंगा यहाँ वहाँ घूमता रहूँगा आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यू जीलैंड बिकॉज द लुक ब्यूटिफुल इन ए मैगजीन पिक्चर आई वॉन्ट टू सी द माउंटेंस ऑफ न्यू जीलैंड मैं न्यूजीलैंड पे जो माउंटेंस है जो पहाड़ है उसको देखना चाहता हूँ बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर क्योंकि वो मैगजीन के पिक्चर में बहुत सुंदर लगते हैं आई विश आई कुड सेल डाउन द एमजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट मतलब क्या है आई विश आई कुड सेल डाउन द एमेजन रिवर इन ए साउथ इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि मैं साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रिवर है वहाँ पे पतेला के साथ दुबकी लगाऊँ मतलब जो नाव चलाते हैं ना वो राफ मतलब पटेला आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीच ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल मैं लक्षद्वीप के बीच बीच पे रहना चाहता हूँ और एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल एंड वहाँ पे डुबकी लगाना चाहता हूँ ये देखने के लिए ओशन में जो एनिमल्स होते हैं उसको देखने के लिए डुबकी लगाना चाहता हूँ आई सपोज आई शुड गो टू द कोनक टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू बट वाट आई एक्चुअली एन्जॉय इन सींग नेचर मॉडर्न ओल्ड बिल्डिंग्स मैं ओडिशा में जो कोनार्क टेम्पल है वहाँ पे जाना चाहता हूँ और द ओल्ड ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना और बेजिंग चाइना में जो पुराने सिटी है वहाँ पर जाना चाहता हूँ एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू और इजिप्ट जो पिरामिड्स हैं वहाँ बट वट आई एक्चुअली एन्जॉय इन सींग नेचर मॉडर्न ओल्ड बिल्डिंग्स बट पुराने बिल्डिंग्स से ज़्यादा मैं नेचर को देखने देख के ज़्यादा एन्जॉय फील करूँगा नेक्स्ट है सरबजेड

विश्वास नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कोडन डू माई होमवर्क बिकॉज़ रबी बोरोड माई बुक एंड फॉर गट टू रिटर्न इट एग्ज़ाम्पल क्या है इफ़ आई टेल माई टीचर अगर मैं अपने टीचर से कहूँ दैट आई कूडन डू माई होम वर्क बिकॉज़ रबी बोरोड माई बुक एंड फॉर गट टू रिटर्न इट मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि ने मेरा बुक ले लिया था और उसने मुझे वो वापस देना वो भूल गया और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज इन मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट और अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ कि मैंने झगड़ा नहीं किया जो मेरे छोटे भाई है उसने लड़ना शुरू किया तब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स अगर मैं टीचर से ये कहूँ कि मैंने पढ़ाई की थी लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी मुझे ज़्यादा नंबर नहीं आए टीचर जब ये बात बिलीव नहीं करते तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम ट्रेलिंग लाइज और तब सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ द लुक ऑन देअर फेसिस रियली एंगर्स मी और वो लोग जैसे देखते हैं उनके फेस को देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू टेन सो डैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री कभी कभी क्या होता है आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ मुझे अपने शूज़ की तरफ नीचे देखना पड़ता है एंड काउंट टू टेन और टेन तक काउंट करना पड़ता है गिनना पड़ता है सो डैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री ताकि मैं ये नहीं दिखा पाऊँ कि मैं गुस्सा हूँ नेक्स्ट है डोलमा वैन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोलमा क्या चाहती है वैन आई ग्रो अप जब मैं बड़ी हो जाऊँगी आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनूंगी पीपल ऑलविज लव वैन आई से डैट बट आई एम शोर डैट आई विल डू इट पीपल ऑलविज लव वैन आई से डैट लोग हमेशा लोग अक्सर हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ बट आई एम शोर डेट आई विल डू इट पर मुझे ये भरोसा है कि मैं ये करके दिखाऊंगी एवरी वन इन माई क्लास आक्स मी वॉट टू डू वैन दे हैव ए प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी वैन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल एवरी वन इन माई क्लास आक्स मी वॉट टू डू दे हैव ए प्रॉब्लम और मेरे क्लास के सभी मुझे पूछते हैं जब वो प्रॉब्लम में होंगे तब मैं क्या करूँगी एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी और मेरे टीचर हमेशा मुझे ट्रस्ट करते हैं व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल जब स्कूल में कुछ करना पड़ता है तब तो मेरे टीचर्स मुझ पर भरोसा करता है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन मैं हर हर किसी के लिए चीज़ें अच्छे अच्छा करना चाहती हूँ आई वॉन्ट आज टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स मैं हम सब के लिए गुड हॉस्पिटल्स अच्छे हॉस्पिटल्स राष्ट्रीय और स्कूल बनाना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू मेक श्योर डैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट कर्स फॉर डिजीजेस एंड स्पेंड ए टू मार्स मैं ये श्योर करना चाहती हूँ देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट कर्स यहाँ पे इंडिया पे बहुत अच्छे साइंटिस्ट है इन्वेंट कर्स फॉर डिजीज जो बीमारी है उसके लिए अच्छे ट्रीटमेंट ढूंढे एंड स्पेसशिप टू मार्स और मार्स पे स्पेसशिप भेजे नेक्स्ट है पीटर माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ पीटर का फेवरेट डे क्या है सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ हर मंथ के सेकंड संडे है ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म ऑन दिस डे इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म हमारे सारे फैमिली इस संडे को सिनेमा हॉल जाते हैं और फिल्म देखते हैं माय फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस माय ग्रैंड मदर माई पेरेंट्स माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस डेयर मेरे जो फादर है माय फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस मेरे फादर हमेशा टिकट्स को एडवांस बुक करते हैं एंड ऑल ऑफ आस माई ग्रैंड मदर मेरे जो ग्रैंड मदर है नानी है माई पेरेंट्स मेरे माता पिता माई टू ब्रदर्स मेरे जो भाई है एंड आई और मैं टेक द बस डेयर और बस के बस के सहारे फिल्म देखने जाता हूँ इन द इंटरवल माई फादर बाइज आर पीनट्स एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म इन द इंटरवल माय फादर जब इंटरवल होता है तब तो मेरे फादर क्या करते हैं बाईस हास पी हमारे लिए पीनट्स लाते हैं खरीद के लाते हैं पी मतलब मूँगफली एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब हॉल में अंधेरा होता है तब मूँगफली खा के और फिल्म देख के बहुत अच्छा लगता है आफ्टर वर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम और उसके बाद हम सब आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं एवरी वन इज़ इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी डैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली और हर कोई बहुत अच्छे मूड में हो जाते हैं हर कोई खुश हो जाता है एंड वी ऑल फील वेरी लकी और हम सब बहुत लकी फील करते हैं डैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली कि हम सब बहुत खुशहाल फैमिली है हम सब खुश हैं तो ये था आपका चैप्टर सो मीट नेक्स्ट टेक केयर बाय बाय